जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद खाजी साहब की तरफ़ बढ़ता हूँ माशा प्रोफेसर साहब तो आपको पता ही है कि अपना उसलूब रखते हैं हदीस सकलेन की रोशनी में करीम करीम़ान हमीद की अहमियत प्रोफेसर साहब अगर डॉक्टर साहब पता चले और बसमिल्लि वसिल दाइमी का खैर यार बिलमा बलबीमा साहिबा नेिल्म फजल तशरीफ़ फरमाए इस महफिल में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्लाहमदिल्ला करीम की जिस खूबसूरत सौत के साथ और अकीदत के साथ तिलावत की गई और ये इदारा जिस तरीके से लेकर चल रहा है मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं होते कि मैं किस तरह तारीफ़ करूँ की भी और इल्म की भी और इस फैज नबवी की भी जिस तरह से ज़ाहिर वातिन में लोगों के लिए है लेकिन एक बात अर्ज़ करते चलूँ कि इकबाल ने बिला सबब कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान की बात नहीं कही कुछ तो राजदारी थी उसमें और कुछ तो तसव्फ़ के मामला थे कि जो पहनाइयों और पहनाइयों में से गुजरते हुए उस राज को जिसको लिबास अल्फाज कहा जाता है रब का ये कुरान इनको अल्फाज में सिर्फ लिबास दिया गया है वरना हकीकत में अगर कुरान कल्ब मुस्तफ़ा से हम तक न पहुँचता तो ये कायनत

कभी गुमराह नहीं हो गए कभी भटकोगे नहीं एक और एक मकाम पर हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो बुनियादी मबादियात दो बुनियादी उसूल छोड़े जा रहा हूँ एक बोलने वाला और एक खामोश वाह बोलने वाला क्या है कुरान और दूसरा नासे कौन है खामोश मौत कहा जब तक इन दो को याद रखोगे कभी भटकोगे नहीं जिंदगी में कोई परेशानी आएगी वो परेशानी दूर हो जाएगी तो पता ये चला कि सहाबा से हुजूर ने फरमाया कि दिल जंग आलू हो जाता है साहबा ने अर्ज़ किया यारसोल्ला वसलम तो जब दिलों पर जंग आ जाए तो इसे कैसे छुटाया जाए इसे अलग किया जाए या साफ़ किया जाए तो ने फरमाया जितना कुरान पढ़ोगे तुम्हारे दिल का जंग उतना ही उतरता चला जाएगा एक मकाम पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल राम तल का मुझे वो कौल याद आ रहा है जो उन्होंने नक़ल किया और इसको मुख्तल कुतुब में बयान किया गया आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में रब तला को देखा अल्लाह ये वो कह सकता है जो रब से प्यार करता हो रब की जबान को समझता हो और रब के कलाम को समझता हो और रब की बारगाह में उस तरह से झुकता हो जो झुकने का हक है सुजूद उस तरह को आप आहा, है। आहा, आपका पूरी तवज्जो में जी, जी, अब ये जो तवज्जो आपकी है ये कुरान की तरफ तवज्जो है इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते जिस वक्त मैंने ख्वाब में रब को देखा मैंने कहा रब कायनात मुझे तेरा तकरब चाहिए तेरी कुर्बत चाहिए तेरी मोहब्बत चाहिए तेरी उल्फत चाहिए तेरी रजा चाहिए वाँ वाँ तेरी बंदगी चाहिए वाँ वाँ बतला कैसे हासिल करूं अल्लाह ने फरमाया कि तू ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़ क्योंकि वो मेरा तक है अल्लाह अकबर और इसके साथ ही जुमला ये कहा इमाम फरमाते हैं कि मैंने ये अर्ज किया कि खुदा बंद ये फरमा कि अगर कोई शख्स कुरान को समझता है या कुरान को नहीं समझता क्या वो दोनों बराबर हैं कहा कि जो मुझसे मोहब्बत करता है करता है, कुरान को याद करने की पढ़ने की प्यार करने की कोशिश करता है वो भी मेरे इतने ही करीब है। चाँगा, चाँगा। तो एक बात करता चलू एक बात तो ये आ गई रूहानियत की लेकिन कुरान नफरत को मिटाता है हसद को मिटाता है कीने को मिटाता है कमतर बरतर को मिटाता है यहाँ तक के हम पहचान नहीं पाते थे कि हुजूर कहाँ है लेकिन खुशबू से हमें महसूस होता है सुभान अल्लाह तो एक बात अर्ज करूँ जो वो कुरान पढ़ने वाले हैं उनकी खबरें आज भी रोशन है ये औलिया कराम जिनको आप बजहिर जरत शाह अब्दुल अजीज का फतावा पढ़ लीजिए सफा नंबर 206 पर वाज़े लिखा है कि क़राम के मज़ारात में से खुशबू आती है क़राम के मज़ारात में कुरान की बरकत होती है और औलिया कराम के मज़ारात पर जाने से फैज मिलता है लेकिन सज़दा करना हराम है न कीजिए जो ओलिया ने जिंदगी के अंदर प्यार किया जिनसे उनसे प्यार कीजिए वो रब से रसूल से प्यार करते थे और जिनसे नफरत की है वो शैतान है वसवसे को दूर कीजिए हुजूर की गुलामी में आ जाइए सरकार के नालेन को सजा लीजिए फिर जिंदगी में कुरान आपका गवाह होगा क़यामत के दिन आपके लिए शफात और डॉक्टर साहब खूब माशाल्लाह बस माशा और बारे। मुझसे भी मैं भी चाहता हूँ सुबह एक दफा वो मैसेज भी हो जाए आपका वो मैसेज बहुत ज्यादा वो तो क्लिप वायरल हुआ था आपको शायद दिल मोना हो जिसमें आपने फरमाया था मिलता है क्या नमाज में एक दफा वो भी एक बात सिर्फ करता चलूंगा सही बात तो ये साहिबानी मेहराब मेंबर बैठे हुए हैं और ये मोहब्बतों का महीना सिर्फ एक बात अर्ज करता चलूंगा जी जो सजदा है ना सजदा अकबर, अल्ला ये अल्लाह अल्ला की अल्ला कसम रब को दिल में बसाने का अमल है सुबह अल्लाह इस तरह से नियत बांध दीजिए इमाम के पीछे कि फिर इमाम काबे में नजर आए और मदीने में नजर आए और सरकार ये कहे कि मेरा उम्मती है और फिर आप पढ़ते जाए कि मेरे प्यारे नबी पर दरूदो सलाम और फिर एक जुमला कहे प्यार से और वह मिलता है क्या, क्या नमाज में सुबह अल्लाह सुबह क्या नमाज सुबहान अल्लाह सुबहान सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह वाह 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 वाह